नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट फॉर यू। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक और पैन इंडिया फिल्म का आया है टीजर और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा बॉक्स ऑफिस पे 22 मार्च को ऑल ओवर द इंडिया में। फिल्म का नाम है रंग दे बसंती और आज की वीडियो में हम देखेंगे भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का ट्रेलर। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म आती जो उस इंडस्ट्री का रुख बदल देती है। 2005 में दो फिल्में आई थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला और पंडित जी बताइए ना ब्याह कब हुई। 2014 में एक फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी और अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक थिएटर तक जरूर जाएगी। फिल्म में गाने गाया है कैलाश खेर। बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म के स्टार कास्ट में है खेसारी लाल यादव, रति पांडे और अमिताभ भट्टाचार्य। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस फिल्म में गाने लिखे हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रिमांशु सिंह ने और इस फिल्म का टीजर काफी अच्छा है। देखते हैं फिल्म का टीजर आपके साथ, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या ये भोजपुरी फिल्म पैन इंडिया में रिलीज होनी चाहिए फिर नहीं। तो आप फिल्म का ट्रेलर देख सकते हो यहाँ पे। SRK जो इसको प्रेजेंट कर रही है, SRK म्यूजिक प्रेजेंट्स। कश्मीर का सीन ओपनिंग सीन है। शूटिंग लोकेशन काफी अच्छे हैं लेकिन जो ब्लास्ट का जो सीन है वो काफी कमजोर है, यानी ब्लास्ट में BFX का काफी कम इस्तेमाल हुआ। किलिंग काफी बड़े लोकेशन पर शूट की गई है, कश्मीर का लोकेशन है तो उस एंगल से शूटिंग की है। लाल गुलाब सब कुछ बढ़िया फिल्म है लेकिन जो ब्लास्ट का सीन है वो CG उतना अच्छा काम नहीं हुआ इसमें। रोशन सिंह प्रिमांशु सिंह ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। रति पांडे काफ़ी अच्छी लग रही है और फिल्म की शूटिंग लोकेशन, फिल्म को गाने काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफ किए गए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ही कम ऐसे सॉन्ग हैं जिसको काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं और ये फुल टू फैमिली एंटरटेनिंग वाली फिल्म है। दम है लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड में जो लाइट जल रही है ना उसका इफेक्ट पड़ सकता है इसमें। खेसारी जी बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं और जच रहे हैं वर्दी में। कैलाश खेर की वॉइस और कैलाश खेर के वॉइस में एक गाना, दम है बॉस। जय श्री राम। काफी अच्छे लिरिक्स है गाने के जो कि लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य साहब। अब भोजपुरी लेवल के फिल्मों का जो बनाने का तरीका है बढ़ गया है, यानी भोजपुरी फिल्में अपडेट हो चुकी हैं। डबल रोल दम है बॉस। होस वॉम्स आ रहे हैं भाई, ये फिल्म थिएटर वाली ही है और ऐसी फिल्म बननी चाहिए। डबल रोल रंग दे बसंती। दोस्तों, ये था भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का ट्रेलर और ट्रेलर वाकई में काफ़ी अच्छा कट किया गया है लेकिन ट्रेलर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस फिल्म के ट्रेलर की लेंथ तकरीबन 3 मिनट 26 सेकंड की आसपास की है। अगर फिल्म का ट्रेलर तकरीबन 1 मिनट या फिर 2 मिनट का होता तो काफ़ी अच्छा होता और उससे पब्लिक अटैच कर पाती। हालांकि फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, फिल्म काफ़ी ग्रैंड लोकेशन में शूट किया गया है लेकिन हाँ, इस फिल्म में छोटी छोटी कमियाँ हैं, यानी फिल्म के ट्रेलर में छोटी छोटी कमियाँ हैं। जो ब्लास्ट के सीन यूज़ किए हैं फिल्म के ट्रेलर में वो काफ़ी नकली लग रहा है लेकिन हाँ ठीक है, उसको और बेहतर बना सकते थे। हालांकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। तरण आदर्श ने पोस्ट किया है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 22 मार्च को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो क्या ये फिल्म पैन इंडिया में रिलीज होनी चाहिए या फिर नहीं? मुझे लगता है कि ये फिल्म पैन इंडिया वाली ही है। तो क्या आप ये फिल्म थिएटर में देखने वाले हो या फिर
मोबाइल में कमेंट जरूर बताएं। फिल्म के ट्रेलर को दूंगा 5 में से 3.5 की रेटिंग और बाकी बातें फिल्म के रिलीज होने के बाद ही होंगी। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या किसी लेटेस्ट ट्रेलर रिव्यू में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।